हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी, और इसे आप बच्चे या बड़े सभी के लिए बना सकते हैं। ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा, और इसे हम सोया चंक से बनाने वाले हैं, तो ये हेल्दी भी होगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अब रेसिपी स्टार्ट करने। तो इसे बनाने के लिए 1 कप सोया चंक को गर्म पानी में भिगो कर 10 मिनट के लिए रख देंगे, और 1 कप सोया चंक से हमारे 12 से 15 डोनट्स बनेंगे फ्रेंड्स। सोया चंक 10 मिनट के बाद अच्छे से फूल चुका है, और अब इसे 2 से 3 पानी अच्छे से डालकर वॉश कर लेंगे। सोया चंक से बने पकौड़े या सब्जी तो खाए होंगे फ्रेंड्स, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और उसी तरीके से इसके डोनट्स या कबाब भी बहुत ही टेस्टी लगता है, और इस डोनट्स या स्नैक्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल केएफसी स्टाइल में बनेगा फ्रेंड्स। और सोया चंक को मैंने अच्छे से धो लिया है, और अब इसे हाथों से प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा पानी को हम निचोड़ लेंगे, और दूसरी प्लेट में इसे रखते जाएंगे। सोया चंक्स के एक्स्ट्रा पानी को अच्छे से निचोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जब हम इसका डो तैयार करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी बनेगी फ्रेंड्स। सोया चंक्स को अब ऑन ऑफ या पल्स मोड पे ही ग्राइंड करेंगे, इसे दरदरा ही रखना है फ्रेंड्स। तो कोशिश करें आप इसे ऑन ऑफ या पल्स मोड में ही इसे ग्राइंड करें, नहीं तो ये ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी ग्राइंड होने के बाद, या पेस्ट बन जाएगी। और अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और अब इसके कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, और यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ लहसुन, प्याज 2 चम्मच बारीक कटी हुई, और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर दें। कद्दूकस किया हुआ अदरक और चाट मसाला, जीरा पाउडर, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और 3 उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, इससे बाइंडिंग हमारी अच्छी बनेगी। और इसे अब हम कद्दूकस करके डालेंगे। डोनट में हमारी अच्छी बाइंडिंग बने इसके लिए हम 2 चम्मच बेसन का यूज करेंगे, और ये हमारे नाश्ते को और ज़्यादा हेल्दी बनाएगा फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर स्वादानुसार नमक डालकर, और इसे अच्छे से हल्के हाथों से इसे मिक्स करके, और एक डो तैयार करेंगे, जैसा हम टिक्की के लिए या कबाब के लिए डो रेडी करते हैं सेम वैसा ही बनाना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका डो चिपचिपी ज़्यादा है, तो आप 1 चम्मच बेसन और ऐड कर लें, और आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और डो भी हमारा रेडी हो चुका है, और अब इसे स्मूथ करते हुए फ्लैट भी कर लिया है, और आप यहाँ पर इसे ऐसी टिक्की का शेप दें या कबाब का, या आप अपने मनचाहा कोई सा भी शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे होल करते हुए डोनट का शेप दिया है, ये मेरे बच्चों का फेवरेट है। और यहाँ पर मैंने दोबारा से एक बॉल ले लिया है, और दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ईजी है। इसे आप ऐसे हाथों में लेकर और चारों तरफ से स्मूथ करते हुए होल बनाकर ये इजली बन जाता है। सारे डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, और अब इसके लिए हम स्लेरी तैयार कर लेते हैं, जिससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो इसके लिए 4 बड़े चम्मच मैदा लिया है मैंने, और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अगर आपके पास नहीं हो इसकी जगह चावल का आटा लें, और इसे एक बार ड्राई में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसमें पानी डालते हुए पतला सा स्लरी तैयार करेंगे। और अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते या अवॉइड करना चाहते हैं, तो इसकी जगह आप चावल के आटे का यूज करें। मेरे पास चावल का आटा नहीं था, चावल के आटे से भी बहुत ही अच्छा स्लरी रेडी होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही क्रिस्पी बनता है स्नैक्स। और यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और ये हमारा रेडी हो चुका है ब्रेड क्रम्स। इससे हम डोनट की कोटिंग करेंगे, जिससे और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा हमारा डोनट्स। अब स्लरी में जो हमने डोनट रेडी किया है उसे डिप करेंगे, और एक बार डिप करने के बाद अच्छे से जो हमने ब्रेड क्रम्स रेडी किया है उसके ऊपर हम डालते हुए अच्छे से कोट करेंगे, और जो हमारा
डोनट्स का होल है उसे हम बाद में वापस से फिनिशिंग देंगे, एक बार अच्छे से कोट करने के बाद। देख सकते हैं आप ये बिल्कुल होल भी हमारा दिख रहा है, और ऊपर से इसे बहुत ही अच्छे से कोटिंग करेंगे जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। फ्रेंड्स, सारे स्नैक्स डोनट्स को हम सेम मेथड से डिप करते जाएंगे स्लरी में और ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करते जाएंगे। सारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए, और आप चाहें तो यहीं पर इसे किसी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख कर फ्रीज़र में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, और फ्राई करने से 10 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल दें और फिर फ्राई करें। और यहाँ पर आपको कुछ डोनट्स येलो दिखेंगे क्योंकि इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स में मैगी का जो मसाला आता है वो यूज किया है ब्रेड क्रम्स में ऐड करके। चलते हैं अभी से फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए तेल को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए बस फ्राई करना है, और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। फ्रेंड्स, दोनों तरफ से आप इसे इवनली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। किसी भी पार्टी के स्टार्टर में आप इसे अपने मनचाहा शेप देकर इसे बना सकते हैं। इसे पहले से ही आप बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर ले, और जब आपके गेस्ट आए उसके बाद आप इसे फ्राई कर ले। ये बहुत ही जल्दी फ्राई होकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, और इसे आप ट्रेवलिंग या बच्चों के लंच में भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स। स्नैक्स हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है, और अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है, और आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। और इसे मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, देखने से भी लग रहा होगा आपको। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो और रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।